ये मुंह का हवाला बोलिए, मैं एक बड़ी खूबसूरत आपको बात सुनाने लगा हूँ। देंगे ये मुंह का हवाला बोलिए, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला ने अब जंगे यरमूक को मुसैलमा इब्ने कज़ाब के खिलाफ जो जंग हुई थी, मुसैलमा इब्ने कज़ाब के जो मानने वाले थे वो खुद को मुसलमान कहते थे, जैसे हमारे यहाँ माशरे में कादियानी लोग थे, बज़ाहिर वो नज़ई हैं लेकिन खुद को मुसलमान कहते हैं, कागजात में ये शो करते हैं कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी रब को एक मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का बज़ाहिर इकरार भी करते हैं लेकिन अंदर से डंडी मारने के लिए खत्मे नबूवत का इनकार कर दिया। अब कागजी तौर पे डॉक्यूमेंट्स में वो काफिर हैं, वो उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन उन्होंने अपना नाम मुसलमान शो किया हुआ है। मुसैलमा इब्ने कज़्ज़ाब को मानने वाले लोग भी ऐसे थे, वो खुद को मुसलमान कहते थे, खुद को जन्नती समझते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, कुरान भी बड़ा ऊंचा ऊंचा पढ़ते थे, जुब्बा कुब्बा भी बड़ा टाइट रखते थे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला कुर्बान जब मौत की ज़ात पे साहब ने अपना लश्कर तैयार किया, जब लश्कर भेजा तो कहने लगे कि जाओ जाकर उनसे जंग करो, सहाबा ने एक छोटी सी मीटिंग की। इमामुद्दीन इब्ने कसीर अब रिवायत का निहाया में ये वाक्या नकल कर रहे हैं कि मुसलमानों ने जब मीटिंग की, मीटिंग में ये बात मद्देनजर थी कि हम मुसलमान हैं, मद्दे मुकाबले भी अपने आप को मुसलमान समझते हैं, हम कहेंगे यहाँ से हम नारे तकबीर लगाएंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, सामने वाला फरीक भी खुद को मुसलमान कहता है अब वो भी अल्लाहु अकबर कहेंगे, अपने का पता कैसे चलेगा, जीरा पहनी हुई है, लिबास एक जैसा है, जंग हो रही है, मैं भी अल्लाहु अकबर, फरीके मुखालिफ भी अल्लाहु अकबर। इमामुद्दीन इब्ने कसीर ने ये लिखा है, कहने लगे वहां पे एक कोड वर्ड मुतय्यन हुआ, सुनियो जरा जाग के मेरी बात सुनना, हजरत खालिद बिन वलीद ने कोड वर्ड मुतय्यन किया, कहने लगे अल्लाहु अकबर वो भी कहने वाले हैं, अल्लाहु अकबर हम भी कहने वाले हैं, फर्क नहीं बचेगा, यहाँ फर्क की बात आए वहाँ हम मुस्तफा करीम का हवाला लेकर आएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने झंडा उठाया, ऊंची जगह पर टीले के ऊपर चढ़ गए, मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगे या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। अब ये ना उस वक्त मुतय्यन हुआ था सहाबा के जमाने में कि पता चल जाए अपना कौन है और पराया कौन, ये खालिद बिन वलीद ने नारा लगाया। आपके पास अब हवाला आ गया कि नहीं आ गया, कोई कहे ना जी ये पिछले 20 साल से पहले नहीं था, उसको बताएं ये जंगे यरमूक में, जंगे यमामा में मुसैलमा इब्ने कज़्ज़ाब के खिलाफ भी या रसूल अल्लाह का नारा लगाया। इसलिए ये पहचान है कि मुस्तफा करीम के साथ जिसकी निस्बत और ताल्लुक जितना मजबूत होता जाएगा वो अल्लाह का भी इतना ही बरगुजीदा होता जाएगा।